गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम शाम को वीडियो आपको पोस्ट कर रहे हैं। सिलुएट पेंटिंग्स हम लोग बनाएंगे। सिलुएट पेंटिंग्स में मेन थीम ये होती है कि बैकग्राउंड आपका लाइट होता है और जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं वो सिर्फ शेडो में बनाते हैं, यानी ब्लैक बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है सिलुएट पेंटिंग्स का। अब हम इसको बिगिन करने के लिए सबसे पहले तो इसका हम कोई एक ड्रॉ कर लेंगे बॉर्डर। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, अगर आप बनाने चाह रहे हैं कि पेंसिल से बना लें तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, और अगर आप स्केच पेन या मार्कर्स के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे ये तीन तरह के पेन रखे हुए हैं और एक पेंसिल रखी हुई है ब्लैक, तो दे ऑल आर ब्लैक। और बैकग्राउंड हम अपने जो है वो कलर नहीं करेंगे, बैकग्राउंड को हम वाइट ही रखेंगे। ठीक है, आप अगर चाहिए तो बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा कलर कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज़ के सिलुएट पेंटिंग में जो बैकग्राउंड है वो लाइट रहेगा, एकदम लाइट रहेगा, और उसके अगेंस्ट में जो भी हम क्रिएशन करेंगे वो शेडो में होगी, यानी ब्लैक कलर की होगी। दैट्स इट। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका बना लेते हैं बॉर्डर। तो आप ऐसा कीजिए, कोई भी एक रफ पेपर ले लीजिए, ठीक है, और बॉर्डर बनाने के लिए चूंकि एजेस से बाहर निकलेगा कलर, ठीक है, तो हम इसलिए बैकग्राउंड में रख रहे हैं ताकि हमारा जो टेबल है वो ख़राब ना हो। तो हम मार्कर की हेल्प से इसकी बॉर्डर को बनाएंगे। हमने 0.2 का यूज़ किया है इसमें, ठीक है, आप स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए ज़रूरी नहीं है, हम बहुत बार आपसे कह चुके हैं कि बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि बॉर्डर के लिए हमें जो है वाइट क्या कहते हैं स्केल का यूज़ करें। हम इंस्टेड ऑफ स्केल विद फ्री हैंड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि लाइंस हमारी एकदम स्मूथ हों, सीधी हों, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, बॉर्डर हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो मेन थीम है, मेन कॉन्सेप्ट है, ये मेन पेपर है, वो बैकग्राउंड वाले पेपर से एकदम अलग हो। जैसे बैकग्राउंड हमारी वाइट होती, तो अब ये बॉर्डर लगाने से ये हुआ है कि हमारा ये वाला पेपर जो है ये विजिबल है, क्लियर, वाइट टू वाइट पे भी। ओके, अब हम लोग बनाएंगे थोड़े से जहाँ पे जिसे कहना चाहिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने ये ऐसे करके ग्राउंड तैयार कर ली है। ठीक है, और चूंकि हमको ये पूरा ब्लैक ही करना है, ठीक है, तो हम कहीं कहीं स्कोप छोड़ रहे हैं वाइट का, और बाकी हम ग्राउंड जो है जितनी भी है वो ब्लैक ही कर देंगे। ठीक है, कहीं कहीं वाइट का टच छोड़ देंगे ताकि ऐसा महसूस हो कि वहाँ पे लाइट आ रही है। ठीक है, बाकी जो है हम ब्लैक छोड़ेंगे। ठीक है, और ये इस तरह से हमने ये स्कोर कर लिया हमने अपने तो ये हमारा होराइजन तैयार हो गया। अब हम इसमें बनाएंगे ट्रीज़। ठीक है, तो ट्रीज़ के लिए भी हम एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे कि हमें किस हाइट तक ट्रीज़ चाहिए। मान लो हमें इस हाइट तक ट्रीज़ चाहिए। ठीक है, तो अब हम अभी तो हमने आपको बताया कि आप मार्कर के थ्रू कैसे करेंगे।
अब थोड़ा सा हम आपको पार्ट बताते हैं कि विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ट्रीज़ ड्रॉ करने हैं तो हमने ऐसे करके ट्रीज़ ड्रॉ कर लेना। ये हमारा मेन लाइन है, स्टेम है, और हमने ये इस तरह से इसमें ट्रीज़ ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और नीचे जब आएंगे तो फिर हम, चूंकि हमें बहुत मोटा मोटा चाहिए होगा तो हम मार्कर की हेल्प ले लेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग हम ट्री को ड्रॉ कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं ना? ठीक है, फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये और इस तरह से हम ट्री ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इस तरह से हम ये पूरा ट्रीज का सेक्शन जो है वो पूरा बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने पोर्शन आपका बैकग्राउंड ट्रीज़ वाला पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब ये थोड़ा सा इसको वैसा लुक देने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी हम बर्ड्स बना देंगे। ये थोड़ी सी बर्ड्स हमने बना दी हैं यहाँ पे, और दैट्स इट आज के लिए। इतना आपके लिए वर्क। ठीक है, डू इट विथ योर ओन और विद योर ईज। ये पेंटिंग आपको विद इन ए वीक कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट से पहले आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। ओके, टिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे। जो आपके पास टाइम रिफ्रेशमेंट के लिए है उसमें आप इस पेंटिंग को करेंगे। बहुत सूदिंग सी एक्सरसाइज है ये, मेंटली और अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।